ज़्यादा यूज़फुल है, क्योंकि सर्दियाँ आने वाली हैं, सर्दियों के साथ साथ ही जो है हमारी स्किन केयर रूटीन में थोड़ी बहुत जो है चेंजेस लाना चाहिए, क्योंकि अगर आप अभी से ये सारी चीज़ फॉलो नहीं करेंगे तो बाद में जाके आपके फटे टोट और गाल वाले जो भी है प्रॉब्लम और आपकी स्किन जो है वो बहुत ज़्यादा वो हो जाती है, ड्राई हो जाती है, और फिर आपको बहुत सारा उसके पीछे टाइम भी देना पड़ता है, खर्चा भी करना पड़ता है। तो क्यों आप थोड़ा पहले से अगर हम वो सारी चीज़ें जो है शुरू करें तो वो आपके स्किन को डैमेज होने से बचाता है, बहुत ज़्यादा विंटर में भी आप बहुत ज़्यादा खूबसूरत दिखोगे। तो आज की इस वीडियो में जो है मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ विंटर की कुछ डूज एंड डोंट्स, और तो मैं शेयर करने वाली हूँ कुछ प्रोडक्ट्स जो कि बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल है, ऑल स्किन टाइप है और सारे लोग यूज़ कर सकते हैं ऑफकोर्स, और ये सारी चीज़ें आपको इजीली जो है आधी चीज़ें आई थिंक आपको घर में मिल जाएंगी, नहीं मिलेगी तो आप देख सकते हो अपने लिए। और ऑल्सो मैं इस वीडियो में बताऊंगी कुछ DIYs जो कि बहुत ज़्यादा सिंपल एंड ईजी है, आपके लाइफ को बहुत ज़्यादा आसान बनाएगा। तो चलिए इस वीडियो को देखते हैं। आगे बढ़ने से पहले आप मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, उसके बाजू में जो बेल बटन है उसको भी ज़रूर क्लिक करना, और हाँ लाइक शेयर करना बनता है, विंटर आने से पहले अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो ताकि उनको भी कुछ फ़ायदा मिले। तो चलिए अभी शुरू करते हैं। जो बात है ठंडी में हम सोचते हैं कि गर्म पानी से नहाते हैं तो ये चीज़ जो है हमें अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि गर्म पानी से अगर आप बहुत ज़्यादा गर्म पानी से अगर आप नहाते हो तो वो आपके स्किन के जो नेचुरल मॉइस्चराइज़र है उसको पूरा एकदम ड्राई आउट कर देता है, फिर आपकी स्किन जो है बहुत ज़्यादा खरखरी टाइप की हो जाती है, और ऐसे करते हैं जो एड में दिखा देना वाइट हो जाता है बिल्कुल वैसे हो जाएगा। तो गर्म पानी से आपको बिल्कुल नहीं नहाना है, इनकेस अगर आपको बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है तो आप ल्यूकोम वाटर से नहा सकते हो। नेक्स्ट आप अपने नहाने के पानी में जो है आप ग्लिसरीन डाल सकते हो, ऑलिव ऑयल डाल सकते हो, तो ये सारी चीज़ें डालने से आपकी स्किन की जो मॉइस्चराइज़र है वो ज़्यादा बूस्ट हो जाएगी, बहुत अच्छी हो जाएगी, तो ये बहुत ज़्यादा अच्छी है। बार बार जो है ऐसी चीज़ें ऐसे प्रोडक्ट ऐसी चीज़ें आप अपने आप के लिए यूज़ करें जो कि बहुत ज़्यादा आपके स्किन को ड्राई आउट ना कर दे। जेल बेस्ड प्रोडक्ट को आप दूरी भगा दीजिए इस टाइम के लिए, और उसके बदले में आप क्रीम बेस्ड प्रोडक्ट जो है वो ले लीजिए। भूल ही जाते हैं कि इस टाइम में हमें पानी की ज़रूरत है, बहुत ही कम कर देते हैं, तो इसलिए ध्यान रखें बहुत ज़्यादा पानी पीना ज़रूरी है, नहीं तो आपकी स्किन जो है वो और भी ज़्यादा ड्राई हो जाएगी और उसके बाद तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती हूँ। कुछ प्रोडक्ट जो कि आप इस विंटर में यूज़ कर सकते हैं, सबसे पहले जो चीज़ ज़रूरी है आती है फेस वॉश। सो गाइस फेस वॉश करने से पहले अगर आप अपने स्किन पे कोकोनट ऑयल या ऑलिव ऑयल या जॉनसन बेबी ऑयल, कोई भी ऑयल जो भी आपके घर में है वो आप लगा लीजिए, थोड़ा सा 2-3 मिनट, 1 मिनट के लिए आप उसको मसाज दीजिए, और फिर जो भी आपका फेस वॉश पसंद है उसी से आप वॉश कर लीजिए। ऑयल से मसाज करने से आपकी स्किन की ब्लड सर्कुलेशन जो है वो चलती रहेगी और स्किन में और भी ज़्यादा ग्लो आएगा। ऑयली स्किन के लिए आप ऐसा मत सोचिए कि ऑयली स्किन है तो हम ऑयल नहीं यूज़ करेंगे, ऑयली स्किन में भी आप ऑयल को यूज़ कर सकते हैं। मुझे जो पर्सनली पसंद है वो है रूप मंत्रा का मिक्स फ्रूट आयुर्वेदिक फेस वॉश, और ये फेस वॉश मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। इसको यूज़ करने से ऐसा लगता है फेस में एकदम फ्रूट्स हो गया, और स्मेल जो है बहुत अच्छा है, और आपके स्किन को बिल्कुल भी ड्राई नहीं बनाता, मेरे स्किन को तो पर्सनली बिल्कुल ड्राई नहीं बनाता, और ये बहुत ज़्यादा सस्ता भी है। आई थिंक ये 83 रुपीज़ की है, सो इट्स अ वेरी अफोर्डेबल एंड नाइस फेस वॉश। और या सो नेक्स्ट आती है स्क्रबिंग की बारी है। इस टाइम पे जितना कम हो सके आप अपने फेस को स्क्रब कीजिए। हिमालय की जो एंटी टैन रिमूवल स्क्रब है वो बहुत अच्छी स्क्रब है, पर वो थोड़ी सी इस टाइम पे मुझे जो लगता है, मेरी आई पर्सनली आई हैव ऑयली स्किन पर स्टिल मुझे ऐसा फील होता है अगर मैं विंटर टाइम में वो फेस वॉश यूज़ करूँ तो थोड़ा सा वो ड्राई आउट कर देता है। तो फेस स्क्रब आप हो सके तो नेचुरल स्क्रब कीजिए। पर रिसेंटली मैंने ये बायोटिक का बायो पपाया विजिबली एजलेस स्क्रब वॉश ऑल फॉर ऑल स्किन टाइप ये मैंने यूज़ किया जी, जो सिर्फ 60 रुपये में, 60 रुपये मतलब एक डोसा की प्राइस में फेस स्क्रब मिल रहा है आपको। ये बहुत अच्छा है, मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा है, आपके स्किन को बिल्कुल भी ड्राई आउट नहीं करेगा, एकदम आपके स्क्रब जो स्क्रबिंग का काम भी करेगा और स्किन भी ग्लो देगा, तो ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। अगर आप चाहो तो इस विंटर में इसको आप ट्राई कर सकते हो। देन कम्स टू टोनर। सो टोनर में मेरे पास है ये बायोटिक, अगेन बायोटिक स्पॉन्सर नहीं है, अगर हो जाए तो अच्छी बात है। सो ये है बायोटिक बायो क्यूकुम्बर पोर टाइटनिंग टोनर, और ये काफ़ी अच्छी टोनर है। ओनली थिंग मुझे ऐसा लगता है ये टोनर में थोड़ा सा एस्ट्रिंजेंट जैसा फीलिंग है, तो जब मैं इसको लगाती हूँ थोड़ा सा एस्ट्रिंजेंट लगाने के बाद जैसा होता है सेंसेशन वैसा होता है, पर ये अगर आपके ओपन पोर्स की प्रॉब्लम है तो ये वाला टोनर जो है वो बहुत अच्छा टोनर है। और इसकी प्राइस जो है, प्राइस कहाँ गई,
अच्छा इसकी प्राइस जो है वो है ओनली 175 रुपीज, जो कि एक बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल है। मेरी पर्सनल जो फेवरेट है, मैं हमेशा आपको बताती हूँ, दिखाती हूँ हर एक वीडियो में, वो है कामा आयुर्वेदा का प्योर रोज़ वाटर। थोड़ा सा एक्सपेंसिव साइड में, आई थिंक 200 या 150 रुपए की है, पर बहुत ही अच्छी एक टोनर है, मुझे बहुत अच्छा लगता है, ऑलवेज आप इसको यूज़ कर सकते हो, इट्स अ बेस्ट। इसके बाद आती है मॉइस्चराइज़र। तो ऐसा मत, मॉइस्चराइज़र तो आप जितना हो सके, अगर मैंने आपको जैसे बताया कि ऑयल लगा के फिर अगर आप फेस वॉश करोगे, देन यू कैन सी अ लॉट ऑफ डिफरेंस इन योर स्किन। आपको 2-3 दिन में ये फ़र्क जो है महसूस हो जाएगा, तो एक बार आप ज़रूर वो करके देखना। नेक्स्ट मैं जो फेस वॉश सॉरी मॉइस्चराइज़र बोलूँगी वो है लोटस हर्बल का कोको मॉइस्ट कोको बटर मॉइस्चराइजिंग लोशन। इतना बड़ा नाम है इसका। सो ये है ये मॉइस्चराइज़र, और ये मॉइस्चराइज़र मेरी फेवरेट है, मैं ये 3-4 साल से यूज़ कर रही हूँ, और विंटर में ये इतना अच्छा ग्लो देता है, मैं आपको क्या बताऊँ। एंड दिस इज़ फॉर नॉर्मल टू ड्राई स्किन, मेरी ऑयली स्किन है फिर भी एक्चुअली ये मेरे लिए बहुत अच्छा काम करता है। तो या ये है मॉइस्चराइज़र में मैं कभी भी जॉनसन बेबी क्रीम, बेबी लोशन ये सब भी लगाती हूँ, क्योंकि वो पर्सनली मुझे बहुत पसंद है। अभी मैं आपको नहीं दिखा रही हूँ, आप चाहे तो वो सब भी जॉनसन बेबी लोशन पिंक वाला वो भी यूज़ कर सकते हो, वो बहुत अच्छा होता है और एक बेबी बेबी फील आता है, तो वो बहुत अच्छा लगता है। देन नेक्स्ट कम्स टू बॉडी। तो बॉडी के लिए आप कोई भी चाहे, अगर आप चाहे तो आप कोई भी शावर जेल यूज़ कर सकते हैं, पर मुझे पर्सनली विंटर में कोई भी शावर जेल एक्चुअली पसंद करना बिल्कुल पसंद नहीं है, यूज़ करना बिल्कुल पसंद नहीं है, तो मैं कोई भी शावर जेल यूज़ नहीं करती हूँ। बदले में अगर आप कोई DIY और ये सारी चीज़ें यूज़ करें तो बहुत ही अच्छा है। और बॉडी लोशन के लिए मैं यूज़ करती हूँ निविया का, निविया नरिशिंग बॉडी मिल्क, ये मुझे पर्सनली बहुत पसंद होता है। और ये तो छोटा वाला है जिसकी प्राइस सिर्फ 70 रुपीज़ है, इसका बड़ा वाला बॉटल भी है मेरे पास, बट ये मैंने अभी लेके रखा है क्योंकि यू नो ये थोड़ा ट्रैवल फ्रेंडली भी है, और अभी मेरा ट्रैवलिंग मूड चल रहा है, तो इसलिए मुझे ये पर्सनली बहुत पसंद है। हालांकि मुझे वैसलीन का जो बॉडी लोशन है वो भी पसंद है, वो बहुत ज़्यादा मॉइस्चराइजर देता है, मॉइस्चराइजिंग करता है आपके स्किन को, तो आप वो भी ट्राई कर सकते हो। फॉर माई हैंड्स मैं यूज़ करती हूँ हिमालय नरिशिंग स्किन क्रीम, एंड दिस इज़ लाइट एंड नॉन ग्रीसी, ये बहुत अच्छा है, ये आप अपने एक्चुअली फेस के लिए भी यूज़ कर सकते हो। सो ये एक बहुत अच्छी हैंड क्रीम है जो आप फेस के लिए यूज़ कर सकते हो, बॉडी में यूज़ कर सकते हो, सो इट्स अ वेरी नाइस प्रोडक्ट। और अगर आप थोड़ा सा ज़्यादा खर्चा करना चाहते हैं तो आप द बॉडी शॉप की आमंड मिल्क एंड हनी वाला जो है हैंड क्रीम, ये वाला आप ये वाला यूज़ कर सकते हो, बहुत ज़्यादा अच्छा है, मुझे बहुत अच्छा लगता है, और इसकी स्मेल भी काफ़ी अच्छी है, और प्राइस थोड़ी सी महंगी है गाइस, इसकी प्राइस है 375 रुपीज़ फॉर 30 ml ऑफ द प्रोडक्ट। तो अगर आप इतना खर्चा करना चाहो तो आप कर सकते हो, मेरे ख्याल से तो ना ही करो तो अच्छा है। कभी कभी फैंसी चीज़ें जो है वो ठीक है, पर जो बेसिक चीज़ें हैं वो सबसे बेस्ट है। सो हैंड क्रीम के लिए मैं नाइट में जो यूज़ करती हूँ वो है बोरोलिन। बोरोलिन इज़ द बेस्ट थिंग जो आप अपने हैंड्स, अपने फीट, सारे चीज़ के लिए, हाथ पैर के लिए, कुछ भी क्या बोलूँ, हाथ पैर सब चीज़ों के लिए यूज़ कर सकते हो, एंड इज़ द बेस्ट बिकॉज ऑथेंटिक चीज़ें जो होती है वो सबसे ज़्यादा बेस्ट काम करती है। आप भी इस बारे में आप क्या सोचते हो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। देन कम टू लिप्स, तो लिप्स के लिए मैं 2 लिप बाम रखती हूँ, एक तो है निविया का, इसमें तो कुछ फ्लेवर वेवर सब कुछ मिलता है, और एक वैसलिन का लिप केयर टोटल मॉइस्चराइजर लिप बाम, ये भी बहुत ही अच्छा है, दोनों ही बहुत ही सस्ते में मिलता है, आई थिंक ये कुछ 20-30 रुपए का, और ये थोड़ा सा ज़्यादा है। तो ये सारी चीज़ें थी प्रोडक्ट्स जो भी मेरे तरफ से मैं यूज़ करती हूँ, तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर करूँ। तो अभी चलिए आपको बताती हूँ कुछ DIYs। सो गाइस बॉडी के लिए आप यूज़ कर सकते हो रॉ मिल्क, उसके साथ आप मैदा, बेसन जो भी चाहे उसको पेस्ट करके आप वो यूज़ करें बॉडी के लिए, वो बहुत ही अच्छा है। रिसेंटली मैंने एक बहुत ही अच्छा फेस पैक ट्राई किया है, वो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और फेस पैक के लिए सो विंटर में आप मुल्तानी मिट्टी क्ले मास्क, मार्ट मास्क, इसको दूर फेंक दीजिए, और उसके बदले में लीजिए शीट मास्क। शीट मास्क थोड़ा सा महंगा है, पर ये कभी कभी 1 get 1 में भी बहुत सारे स्टोर्स और कहीं पे भी मिलता है, जो बहुत ज़्यादा नरिशिंग है, बहुत ज़्यादा ग्लो देता है। तो आप क्ले मास्क और ये सब छोड़ के अगर शीट मास्क अगर आप फ्रेंडशिप करोगे उसे, तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा।
अपने बॉडी में रात में जरूर जरूर थोड़ा सा एक बॉटल ले लीजिए, उसमें डालिए आप ग्लिसरीन, फिर डालिए थोड़ा सा रोज वाटर, फिर डालिए पानी और उसको शेक कीजिए और वो जो मिक्सचर है रात को डेली आप अपने हाथ एंड पैर में लगाइए एंड ट्रस्ट मी उसके बाद जो आपका रिजल्ट आएगा वो आप मेरे आदमी से जरूर शेयर करेंगे। ये थी सारी प्रोडक्ट्स, डूज एंड डोंट्स एंड सारे DIYs जो कि आप इस विंटर में अपने लिए कर सकते हैं। तो या आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल एंड ईजी बीजी एंड प्रैक्टिकल लगा है। अगर लगा है तो इस वीडियो को लाइक करो, बोल दिया है फिर भी शेयर करो, फिर भी बोल रही हूँ। एंड हाँ, सब्सक्राइब ज़रूर करना मेरे व्लॉग चैनल को, अगर आपको मैं पसंद आई हो तो मेरा व्लॉग चैनल भी ज़रूर शेयर करना। मिलते हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन यू गाइस टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड आई लव यू ऑल, बाय।